PWAJEE पर दे रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। अब आपको बैचेस ये मिलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो देर न करिए, अभी इनरोल करिए। सभी बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जाकर वहां चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ बैचेस की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जैसे कि इसमें SSC JEE का फाउंडेशन बैच सी 2025 स्टार्ट हो चुका है 2699 रुपए में। RRBJEE CBT 2 बैच 2024 का 1499 रुपए में है। RRBJEE का क्रैश कोर्स CBT 1 + CBT 2 1499 रुपए में है। RRBJEE की टेस्ट सीरीज CBT 1 + CBT 2 299 रुपए में है। का 2025 बैच AJEE एग्जाम 3299 रुपए में। अब बैच सी 3999 रुपए में। चाणक्य का AJEE BOT बैच सी 2399 रुपए में। RSSB JEE 2499 रुपए में और RPSC AE 3999 रुपए में आपको अवेलेबल मिल रहा है। साथ ही साथ इन सभी बैचेस में जो आपको अभी बैचेस मैंने बताया SSC JEE, ये सभी बैचेस इंपॉर्टेंट है। SSC JEE, RRBJEE, NSPC, इसके अलावा UPPSL, UPSSC जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बैचेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न में मिलेंगे आपको, बायलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। DPP आपको प्रोवाइड किया जाएगा और DPP सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी बैचेस के साथ आपको डाउट इंडियन क्लासेस भी मिलती है, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं। सभी लेक्चर्स आपको जो मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा PW एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इन सभी बैचेस के साथ PWAJEE खजाना मिलता है मात्र 999 रुपए में, जिसमें आपको जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैचेस मिलेंगे और DPP एंड DPP सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जाइए अभी एनरोल करिए। कोड यूज करना मत भूलिएगा EG250। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक महीना रेलवे एग्जाम्स को बचे हैं और स्टूडेंट की प्रॉब्लम, हड़बड़ाहट, घबराहट, उतावलापन, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो लगभग इस साल तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की जा रही हैं गुप्ता जी के साथ। और कल रात को मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरा एग्जाम देखने, जो मैंने कल SSC वाला वीडियो बनाया था ना कि SSC के बाद RRB मेंस के लिए, RRB की तैयारी के लिए क्या क्या करें क्या ना करें, तो कह रहा सर पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, हो जाएगा। फिर उसने कहा सर बहुत कोशिश कर लिया। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम दो मुझको, मैं एक नई वीडियो लेकर आता हूँ और इस पे मैं थोड़ा सा सोचूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नींद आती है, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि नींद क्यों आती है। वो आपको चेक करना है कि आपको नींद क्यों आती है। जब आपको आपकी प्रॉब्लम मिल जाएगी, मेन प्रॉब्लम तो नींद क्यों नींद आपको आती है, दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम आपको ढूंढनी है कि आपको नींद क्यों आती है। उसके 4-5 रीजन है जो मैंने थोड़ा सा देखा है कि आप फिजिकल फिट नहीं है। फिजिकल फिट का मतलब कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से आप ज़्यादा खाना खा लिए हैं, उसके कारण नींद आती है। ठीक है, आँख में कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण नींद आती है। तो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो उस समस्या को आप पहले दूर करिए, उसके बाद ही आप फोकस करिए स्टडी पर। सबसे पहले आ जाइए, अगर ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मोटापा वगैरह ये है, या सर दर्द होने लगता है पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह करिए। मैं अभी बताऊँगा सोल्यूशन भी, सबको सब कुछ बताऊँगा। दूसरा क्या है, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। जब आप पढ़ते हो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती पढ़ने लगोगे तब भी नींद आने लगेगी। मेंटली आप मजबूत नहीं हो, इस कारण भी नींद नहीं आती है, नींद आती है ज़्यादा, ये भी ध्यान रखना। मतलब आपको पता नहीं है कि मतलब मान के चलो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, RRB का सबसे बड़ा सब्जेक्ट इंजीनियर्स के लिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो, आपको उसके यानी कॉन्सेप्ट उसके नहीं पता है कि ये क्यों पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो, किसी ने कह दिया, कहीं आपने देख लिया, जिसके क्वेश्चन आते हैं आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो,
तो मेंटली आप तो प्रिपेयर नहीं हो कि रट्टा मार रहे हो तब भी नींद आती है, रट्टा मारते समय भी नींद आती है। ठीक। तीसरा, मोबाइल स्क्रीन का टाइम ज़्यादा यूजेज होता है। ठीक है, तो मोबाइल में एक सेटिंग होती है, सभी एंड्रॉयड आईफोन सब में एक सेटिंग होती है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका मोबाइल यूजेस कितना है, मतलब स्क्रीन टाइम आपका कितना है, कितने बार आपने मोबाइल ओपन किया, कितने बार बंद किया, और स्क्रीन टाइम में कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा आपने यूज किया है। सेटिंग में आप जाओगे, मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर इसमें मिल तुरंत मिल जाता है तो सेटिंग में जाओगे, सेटिंग का नाम मैं बता दे रहा हूँ कौन सा है, डिजिटल वेब बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल, ये आपको मिल जाएगा, डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। ये क्या है, स्क्रीन टाइम है, मेरा आज का स्क्रीन टाइम जो है वो 1 घंटे 11 मिनट का है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और उसमें डेली का भी आप देख सकते हो, वहाँ पूरा दिखाएगा कि कितना आपका स्क्रीन टाइम रहा है। वी एक्टिविटी में जाओगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, डिटेल में वी एक्टिविटी में जाओगे तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये सब के लिए जानना जरूरी है, डिजिटल वेल बीइंग में आप चले जाना, वहाँ से चेक कर लेना कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज कर रहे हो, कि आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो आपको आरआरबी जे के प्री एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मेरा 1 घंटे 11 मिनट का स्क्रीन टाइम है, मैं कल का देख के बता दे रहा हूँ, 7 नवंबर का, 7 नवंबर का मेरा स्क्रीन टाइम जो रहने वाला है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, 4 घंटे 56 मिनट यानी 5 घंटे का है, उसमें 1 घंटे 17 मिनट मेरा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे गया है, 56 मिनट मेरा व्हाट्सअप बिजनेस है, मतलब जो मैं काम करता हूँ उसके लिए है, 30 मिनट का मेरा टेलीग्राम चैनल पे है, 27 मिनट मेरा ग्रुप पे है, 21 मिनट मेरा पेटीएम मनी पर है, 15 मिनट मेरा YT स्टूडियो पे है, 12 मिनट यूट्यूब पे है, 12 मिनट एलजन वर्ल्ड पे है, 7 मिनट जीमेल पे है, 2 मिनट है, 1 मिनट इंडिया मनी पर है, ट्रू कॉलर पे है, आप स्टॉक पे 3 मिनट का है, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे यहाँ पे 1-1 मिनट करके मेरे कल 24 घंटे का स्क्रीन टाइम जो 7 नवंबर का था वो 4 घंटे 56 मिनट का है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा फालतू यूजेस किए हैं। नहीं, टेस्ट बुक अगर मैंने 1 घंटे 17 मिनट चलाया तो उसमें कुछ काम का ही काम किया होगा ना, वहाँ सोशल मीडिया तो चलाया नहीं होगा मैंने कि फलाने के रील देख रहे हैं। ठीक, ये आप अपना चेक कर लीजिएगा, ये बहुत खतरनाक डाटा आएगा आपके पास, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं उनके 3-3, 4-4 घंटे स्क्रीन टाइम रहता है केवल इंस्टाग्राम का, बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका 11-11 घंटे का मोबाइल स्क्रीन टाइम रहता है, तो इस कारण भी पढ़ते समय आपको नींद आती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आँखों को चाहिए रेस्ट। हमारी जो बॉडी होती है, जैसे पानी बहता हुआ साफ हो जाता है अपने आप, वैसे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होती है, और रेस्ट जब चाहिए तभी नींद आती है, तभी वो अपने आप को रिपेयर कर पाता है, इसलिए हम 8 घंटे सोते हैं, जैसे शरीर 16 घंटे के लिए तैयार हो चुके हैं अगले 16 घंटे के लिए, इसलिए हम सोते हैं। तो आँख पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा तो जब पढ़ोगे तो बोरिंग होगा, तुरंत नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ रीज़न है कि जंक फूड का सेवन, जंक फूड मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी जंक फूड में नहीं आता, और ये समोसे वगैरह जो आप लोग खा लेते हो, चाउमीन वगैरह और मैगी वगैरह, ये जंक फूड खाने से भी नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो 4 रीजन हो गए आपके माइनर रीजन। ठीक, और नींद आने का सबसे बड़ा कारण आपका विजन क्लियर नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब बनना क्या है आपको, जेई बनना है, ग्रुप डी में जाना है, एनटीपीसी में जाना है, एएलपी बनना है, विजन ही क्लियर नहीं है आपको। जब विजन क्लियर नहीं है तो इंटरनल मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है पढ़ाई के लिए, जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहेगा तब तक नहीं पढ़ पाओगे। ये 5 रीजन है जिससे आपको नींद आती है। अब अगर आपको नींद आती है तो आप पता करो ये 5 रीजन कौन कौन से हैं। पहला रीजन, आप फिजिकल फिट नहीं हो। दूसरा रीजन, मेंटली आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो पढ़ते समय नींद आएगी। तीसरा रीजन, मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा यूजेज है। चौथा, आपका जंक फूड आप खाते हो, खाने के बाद पढ़ते हो तब है। और इसके अलावा आपका विजन क्लियर नहीं है। ये 5 चीज़ें हैं, सबसे खतरनाक 2 चीज़ें हैं, विजन वाला क्लियर ना होना, दूसरा है मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा यूज करना। तो ये सब 5 चीज़ चेक कर लेना। अब अगर आपको प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई हो, प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब मेरा पेट ज़्यादा निकला हुआ है, मैं पढ़ूंगा तो मुझे नींद आएगी, सही बात है। ठीक,
अब सोल्यूशन पे आते हैं। ये तो गुप्ता जी ने प्रॉब्लम बता दी, थोड़ा टेंशन ना लो, सारी चीजें क्लियर करूंगा। दूसरा, अब सोल्यूशन क्या है, पढ़ते समय नींद आ रही है तो क्या करें? पढ़ते समय नींद आ रही है तो सबसे पहले आप 45 मिनट से 50 मिनट ही एक साथ पढ़ें, और 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक लें, पानी पिए और टहलें। नींद नहीं आएगी, 6 से 7 घंटे लगातार आप पढ़ सकते हो। 5-5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद 45 मिनट से 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, आप 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हो। यह ध्यान रखना, यह हो जाएगा। दूसरा, अगर नींद आपको आ रही है, आप टहल के आए तभी नींद आ रही है, तो न्यूमेरिकल लगाओ। जैसे आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्टार्ट कर दो लगाना, आपको नींद नहीं आएगी। क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे वो भी न्यूमेरिकल पोर्शन, ये थ्योरी पोर्शन नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन, तो नींद आपकी गायब हो जाएगी खट से, क्योंकि दिमाग आपका एक्टिव हो जाता है, पूरा दिमाग एक्टिव हो जाए। न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब पूरा दिमाग एक्टिव हो जाए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय यह है कि गर्म पदार्थ जैसे कॉफी या चाय पी लो। कोशिश करना कि शुगर ना रहे चाय में, तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि शुगर के कारण भी कभी कभी क्या होते हैं, नींद आने का कारण वो भी बन जाता है, वो बहुत ही माइनर रीजन है उसके लिए। तो कॉफी अगर आप विदाउट शुगर पी रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि कॉफी में होता है कैफीन, कैफीन क्या होता है, बहुत देर तक आपको काम करने की ताकत देता है, ठीक। अब आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, रिविजन करना है, लेकिन थ्योरी पढ़ते पढ़ते नींद आ जा रही है, तो एक स्टिकी नोट्स आता है, लाल पीला नीला गुलाबी हरा काला पीला ऐसे आता है इतना बड़ा। तो जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक का नाम लिख दो, उसके अंदर जो सब टॉपिक आ रहे हो उसके ये पढ़ते जाओ, एक टॉपिक का नाम लिखते जाओ, सर ये टॉपिक मैं पढ़ लिया हूँ, ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, बस पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक का नाम नाम लिखते चले जाना है, लास्ट में देख लेना हमने क्या क्या पढ़ा है। वैसे पढ़ने की सही विधि यही है कि पढ़ते समय आप लिखते भी जाओ कि टॉपिक क्या है। जैसे आरआरबी मैथमेटिक्स में आपने कोई किस टाइप की किसी सब्जेक्ट में गए, टाइम एंड स्पीड में गए आप, क्वेश्चंस लगा रहे हैं, टाइम एंड स्पीड में कई प्रकार के टाइप आते हैं, उस टाइप का नाम लिख दो, इस टाइप। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में जो चैप्टर है आपका, मान लीजिए आपने फ्रिक्शन स्टार्ट किया फिजिक्स में पढ़ना, फ्रिक्शन के अंदर कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कौन सा उसमें थ्योरी पढ़ रहे हो, कौन सा उसमें नियम पढ़ रहे हो, वो लिखते चले जाओ, ठीक। ये चीज़ कर लो, और कुछ नहीं यार, एक चीज़ और कर लो, नींद नहीं आएगी, 7 घंटे की पूरी नींद लो, रात में 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, 1-1.5 बजे तक जगने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीना बाकी, 1 महीना त्याग कर लो, निकल जाएगा पर, ठीक। 7 घंटे के पूरी नींद लो, और नींद आती हो इंटरनल मोटिवेशन को जगाओ अपने। इंटरनल मोटिवेशन क्या होगा, कहे तो बस यार 5 मिनट और पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, टाइमर चालू कर लो, उसको देखते रहो, 5 मिनट और पढ़ना है, बस इतना कहो अपने आप से कि 5 मिनट और पढ़ना है, थोड़ा स्टॉप वॉच चालू कर लो 5 मिनट के लिए, जैसे 1 मिनट बाकी रहने वाला हो स्टॉप वॉच रोक दे, कहते अच्छा ठीक है और 5 मिनट में पढ़ लेता हूँ। ये धीरे धीरे आपकी बैठने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ये जो 5-5 मिनट होता है ना, ये आपके बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। बट जब कहते हैं ना कि मोबाइल, अरे यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, बस 5 मिनट मोबाइल और चला लूँ, 5 मिनट मोबाइल चला लूँ उसके बाद पढ़ूंगा, उस जब 5 मिनट में जब मोबाइल चलाते हो फिर कहते हो अरे 2 मिनट और चला लेता हूँ, तो करते करते कब आधा घंटा 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। बस यही चीज़ आपको रिवर्स करनी है, बस 5 मिनट और पढ़ना है, उसके बाद जब 5 मिनट पढ़ लो तो अच्छा एक बार फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं 5 मिनट और पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, तो धीरे धीरे कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे मोबाइल स्क्रीन टाइम आपको थोड़ी 8-8 घंटे 9-9 घंटे हो चुका है, आप देखना जब वीडियो समाप्त होगी तो मोबाइल स्क्रीन टाइम देखना और कमेंट करना यार कि मेरा मोबाइल स्क्रीन टाइम इतना था कल की डेट का, 7 नवंबर का कितना मोबाइल स्क्रीन टाइम था। मान लो कि बहुत लोग छठ पे घर गए होंगे तो आप एक महीने पहले की देख लो, वीकली भी आता है कि वीकली कितने घंटे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो लड़के फिजिकली फिट नहीं है, मतलब कि फिजिकली अनफिट होने के कारण उनको नींद आ रही है, तो सुबह उठकर 30 मिनट से 45 मिनट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, कोई भी एक्सरसाइज, 1-2-3 एक्सरसाइज कर लो, कोई भी एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइज कर लो, बस हो गया। 30 से 45 मिनट रोज एक्सरसाइज करोगे सुधार आ जाएगा, अगर ज़्यादा नींद आ रही है तो। आराम वाली इलाज बताऊँ इसका, नींद नहीं आने का,
जितने मेरे इंटरव्यूज हुए हैं ना, नींद आने लगे तो एक इंटरव्यू उठाकर देख लिया करो, इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि यार मुझको भी जे बनना है और गुप्ता जी के साथ इंटरव्यू करना है। ये अगर ये इस वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन आपको आया तो कम से कम एक हफ्ते तक तो आपको नींद नहीं आने वाली पढ़ते समय। बाकी चीज़ें जो मैंने बताया लगभग लगभग सब कंप्लीट हो चुकी हैं। नींद क्यों आती है और नींद ना इसके लिए क्या करें, सुबह उठो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, ठीक। रीजन अपने पता कर लो, जो मैंने रीजन्स बताए हैं 5 रीजन्स, उस पर देखो क्या प्रॉब्लम, आपको किस प्रॉब्लम की वजह से नींद आ रही है, और सोल्यूशन जो मैंने बताया वो सोल्यूशन आप यूज करो। कमेंट करना है एक हफ्ते बाद वीडियो पे वापस आके कि सर मैंने आपके द्वारा बताई गई चीज़ें इस्तेमाल की, अब सुधार आया कि नहीं आया वो भी बता देना। अगर नहीं आया तभी कहते हैं गुप्ता जी आप बकवास कर रहे थे, फालतू वीडियो आपने बनाई। लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आना वापस कमेंट करने, चैनल आपका ही है, वीडियो आपके लिए ही बनाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको ज़्यादा नींद आती है, या जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कोताही करता है, पढ़ता लिखता नहीं है, या कम पढ़ता लिखता है, कहता नींद आने लगती है, तो उसको वीडियो भेजना। कह लो जो तुम बहाना बता रहे थे उसको, उसका आंसर गुप्ता जी लेकर आ चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में नए प्रॉब्लम और नए सोल्यूशन के साथ। बस प्रॉब्लम आप शेयर करते रहिए, सोल्यूशन हम देते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।